अदनान पुत्र, तबीयत तेरी ठीक है? हैं जी बाबा, मैं ठीक। किड़े ले आए वे? और मैं तो आई गया, क्यों चुपचाप मुंह लटका के बैठे हैं? कोई ना बाबा, ऐसी तो कोई गाल नहीं। ऐसी कोई गाल नहीं बाबा, मोटरसाइकिल दी वजह नाल परेशान है। कोई ना, शायद इन वजह नाल परेशान नहीं, लेकिन जो भी ये नुकसान तो थी ना साड़ा, मेरे ख्याल है ये नुकसान साड़े वास्ते बहुत बड़ा नुकसान है। पुत्र, नुकसान तो नुकसान होंगे ना, दर्द की तरह हो। और बंदा हौसला करे ना, और किड़ाई किड़ाई बगैर दवा दे भी आराम आवेंदे। आधे तो था ठीक पे वे, पर ये नुकसान साड़े वास्ते बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे को नहीं लगता कि ये नुकसान दवा नाल ठीक थी वजे। ओए पुत्र, ई मुल्क च सारी मखलूक और दवाइयां ते तजिंद, और कुछ लोगों दे कम दवा दे बगैर ते दवावां नाल भी चल दे पेन। असा उन्हां लोगों चू हैं। एक गाल याद रखे मेरा पुत्र, उम्मीद, हौसला जिंदगी च कदा ना छोड़े मेरा पुत्र। तू देखे दुख दर्द नुकसानात तबले वांगू अपने आप खत्म थी वे दे। लग दे मेरे पुत्र ने जनता ही रोटी नहीं खादी है। वंजवाल खाना गिन किया, तेरे वास्ते फजल दीन दे कबाब घिन के आया। मैं बर्तन लेना, तुसा फ्रेश थी हो। ओ हार्ड पार्ट वो भी काट गिनने पुत्र। जी बाबा। हाथ दोगी ना मैं भी? अगर मेरी गाल को नेगेटिव ना घिने तो एक गाल आखा। अगर तेरी गाल नेगेटिव ना हुई तो मैं को नेगेटिव क्यों घिन सा? बे भाई भरोसा के ही घर च गाल करन तो भी डर लग दे ना। हद तक इत्था ते सच्ची मोहब्बत ते खलूस को समझा ही नहीं वेंदा, कोई कदर ही कह नहीं। अच्छा तो कर गाल जड़ी ते करनी है। असल च गाल ये है कि रमा तेरे दोस्त फरजान दी धी है। बहुत चंगा तालुक है तेरा हुंदी फैमिली नाल, फरजान नाल, है ना? हाँ, ते क्या थी रामा को? नहीं, हाले तक ते कुछ नहीं थिया, लेकिन जे ओ चिक थी गई ता गिनर दे देवने पैवे से। तू आखना क्या चाहती? ओ बाबा, मैं ये आखना चाहती हूँ कि देख रामिस रमा को रात को देर तक घिन घिन के, हुने थोड़ी देर पहले ही रमा को ड्रॉप करके गई है घर दोते। के जी गाली करती पई है तू? ओ तो हम बच्चे हैं। तेरी नजर इस बाल हैं, लेकिन यह गाल में ते को समझावट चांदी पिया कि बाल नहीं हुन वड्डे थी गए। कल को अगर कुछ गलत थी गया ते तेरी बरसों दी दोस्ती खराब थी वैसी। ते कुछ मैं जितना बुलेंदी पिया हूं थोड़ी को ही तू ज्यादा समझ। हिंदे च भलाइए ही घर दी भी ते रामिस दी भी। अच्छा तू एक कम कर, तू रामिस को बिलहा के समझा, मैं को यकीन हो तेरी गल समझे सी। ओ राहिल, ओ न ते क्या सुनना ही नहीं चाहता। तेरी बीवी होवन दी हैसियत नाल मैं हुंदी मां हां ना। इंदे शक क्या है? लेकिन हुकू है, क्योंकि ओ मेरे को अपनी मां तस्लीम नहीं करेंदा।
नहीं समना भाले हो, अगर तो को बिलहा के समझा। प्लीज राहिल, होर मेरे को लेक्चर ना देवी। देखो क्या लग दे, मैं कोशिश नहीं की थी, उल्टा बेइज्जती थी गेहूं दे हाथों। बेइज्जत माँ होवन दे नाते मैं को समझावण दी कोशिश की थी है, लेकिन फौरन ही बेइज्जत कर देते हूं मेरे को। लेकिन वल्वी सिर्फ तेरी मोहब्बत की खातिर मैं चुप रही। राहिल असादा हिक की लड़का है, अगर ये विगड़ गया तो यही दहाके च बहु बुरा थी सी, विगड़न ते सुधरन दी। वल कलकू ते यह गाल आवे सी के मतरई माँ ही इत वास्ते तवज्जो नहीं दीती। तू बेफिक्र रह, मैं रामेश नाल आप गल करे सा ते ओ को समझे सा, डोंट वरी। कड़ियाँ सोचा चुकूँ मैं पापा तुसा। हाँ पुत्र, इतने दिनों तो मुलाकात नहीं थी, मैं सोचा मुलाकात ही थी वजह। क्या चलता पे आजकल? कुछ खास नहीं पापा, बस दोस्तों के नाल कंबाइन स्टडीज वगैरह। ये तो चंगी गल है कि पढ़ाई थींदी पई। अच्छा रामेश पुत्र, मेरे को तेरे नाल एक बहुत जरूरी गल करनी। जी बोलो। जानना कि रामा के वालिद फरजाना मेरी कितनी गहरी दोस्ती है। जी तेरी तो रामा की भी अच्छी दोस्ती है, अच्छी गल है, पर लेकिन तुसा दोहे वड्डे थी के हो, खसूसन ते को एक ख्याल रखना चाहिए था। क्या क्या ख्याल रखना चाहिए था मेरे को? एहो ही कि तुहां दोहे एक दूजे को फासले ना मिले करो, ए तो को तुहाडी बीवी ने आख्या होसी। देख पुत्र, मेरे को पता है पापा आख्या होसी। प्लीज तुसा उन्हां को ये डसा छोड़ो कि रामा जी कह नहीं, वो जड़ी गंदी सोच रखेंदे रामा दे बारे च, असा दोहां इहो जिहा सोच भी ना हा सकते। बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। तुसा दोहे इहो जी सोच ना हो रखते, पर लोग होर ही सोचेंदे। पापा देखने वाले जो मर्जी सोचते रहन, मेरे को इंदी कोई परवाह कह नहीं, वी डोंट केयर। परवाह करनी पौंदी पुत्र, दूजियां दी सोच ते तू पहरा कह नहीं भी ला सकता। शायद को इतनी प्रॉब्लम ना थे, लेकिन रामा को थी सकती है, क्योंकि वो एक छोएर है। आवण वाले वक्त च उनके वालदेन को उन्हें ते माशरे को फेस करना है। वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं मानता। देखो उनके बारे च ही सोचना चाहिए था कि कोई उनके बारे च कोई गलत सोच ना रखे। ठीक है पापा, पर क्या पुत्र? पर कुछ लोगों की फितरत च बुराई होंगी, बारे च पॉजिटिव नहीं सोच सकते। होना होना को तुसा ना हो बदल सकते। मैं जानता तो क्या कहना चाहता है, पर जो मैं आख्या उन भी गौर करें। रात बहुत ही गई पुत्र, तू वंज के आराम कर। अच्छा बाबा, मेरे को देर थी नहीं भैया। अतनान जी बाबा, पुत्र यूनिवर्सिटी की में वैसे मैं बस तो वैसा बाबा, पर तेरी यूनिवर्सिटी तक कोई डायरेक्ट बस तो वेंदी कोई नहीं,
मैं डू बसन चेंज करके आने तुसा फिकर ना करो मैं चला वैसा कैसी है बाबा यार मैं तू साइकिल घेन के नहीं आ पर साइकिल दे वणना में यूनिवर्सिटी काफी मुश्किल है अच्छा तो ई मैं कर यूनिवर्सिटी बस ते आवण मणना कर अब मैं साइकिल छोड़ वेसा तू ट्यूशन साइकिल ते पढ़न चला वने ठीक है ठीक गाल दे सं बाबा दुनिया दे सब तो चंगे बाप तो को मेरी फिक्र लगी रहती है हर वेले मेरे बारे सोचें दे सच पूछो तो मेरा बहुत दिल चाहते मेरी ख्वाहिश है मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ऐसा करा कि तुम्हारी जिंदगी खुशियां खुशियां आवे तुम्हारी जिंदगी हर आसानी हर मगर ओए बेच मगर की तू आ गया पुत्र बस तू दिल ला के बढ़ ते पढ़ लेके बड़ा आदमी बनवन जड़े वेले तू बड़ा आदमी बन वैसे ना ते मेको सुकून ही सुकून होसी नाले में को यकीन है तू बहु बड़ा आदमी बन से तेरे वास्ते सुख ही सुख होसी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर थी सी फिलहाल तो सही साइकिल अपने कोल रखो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी बेसकूनी थी वे ओए पुत्र मैं तो बस इतू तक मिलने मैं चला वैसा किवें ना किवें मैं मैनेज कर के सा मेरी फिक्र ना कर बस तू साइकिल तो चला वने पढ़ावन दे बाद तू आ भी तो पढ़ने ओए पुत्र थक वैसे पर बाबा ओए पुत्र बुढ़े पियो नल बैस ना कीती कर ए भी बुढ़े पियो को सुखी रखंदा है कि नवा तरीका है बन शाबाश अते को देर थी नहीं पई अल्लाह हाफिज बाबा अल्लाह हाफिज अल्लाह ते को सलामत रखे मेरा पुत्र क्या थी है तानिया कारियत है वे नहीं नहीं इंची कोई गाल कहनी नहीं यार कुछ तावे मैं को आज तो रोई रोई भी लगनी है टसा क्या थे है? मैं क्या कोई छोटी बाल आज जो रोसा बस तबीयत जरा ठीक कोई नहीं ही की तो सारी रात सुती कहनी शायद ही वस्ते अखी सुजियां पहन ते वल तू किंद है साकु भी ते डसा हां भाई क्या थिंदा पिया है कौन किंद है आले वे जागदा रह गया वे मेरे को भी ते डसाओ ओ बाबा मैं नहीं एसडी मासूम दोस्त तानिया ने कहीं दे ख्यालां च रात भर जागना शुरू कर दित्ते कमाल है तानिया ते त बहु बुरी है ते मेरे को डसाया भी कह नहीं किंद ख्यालां दे बसाई रात जागदी रहंदी है मैं ते को अपने दिल दी हर गल डसैनी है तू मेरे को नहीं डसैंदी ना नहीं नहीं मिशा इंची कोई गाल के नहीं अगर मैं ती ती मैं दसा देंदी हाँ डिठा ना ताई तो मैं सोचेनी है मेडी दोस्तानिया कोई गाल मेडी तू लुका सकती है मतलब मेडे कोलो ते जासिम तू असा डोहाइन दे विच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंदा पिया हां हां ओह भाई खुदा दे किते मेड ते हुन कोई चढ़ाई ना करे मैं कुछ भी नहीं कीता तेरे ते चढ़ाई ना करा क्यों ते असन डोहे बेस्ट फ्रेंड एक मिनट तुहां डोही बेस्ट फ्रेंड असन डोह लेकिन असन डोहां दे विच एक गल कॉमन है अच्छा ओ क्या वी आर गर्ल्स ओ प्लीज हुन ए गर्ल्स गर्ल्स ना शुरू कर दियो मैं डसेंदा पे नहीं नहीं हुन मैं टेकू पे डसेंदा हुन ए गर्ल्स गर्ल्स ना करे हर गल ते गर्ल्स गर्ल्स
ओ पागल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटा। राहिल ही को समझा दे कि ही घर इश्ते दे लावे भी कोई रहंदे। पापा अगर ना भी डिसावन वल भी मेको पता है कहीं घर इच कौन कौन रहंदा है ते वो क्या क्या है। ए क्या क्या दा तेरे क्या मतलब है? हाँ पुत्र तेरी दा मतलब है कि तू मेको गुड मॉर्निंग आख्या है ते तू अपनी माँ को भी आख देंदा। मैं अगर आख भी देंदा तो जवाब सिर्फ तंज भरी मुस्कुराहट ही मिलनी है। इंजा कुछ भी कह नहीं पुत्र ये तेरी माँ है। प्लीज प्लीज पापा इन्हें को मेरी माँ ना आख्या करो बार बार। मेरी माँ इस दुनिया च कह नहीं। डिठी डिठी और राहिल कितनी लंबी जबान थी गया होनी दी दी बड़ी बदतमीज थी ना विंदे। मैं तुसा नाल कोई भी बदतमीजी कह नहीं की थी बस तुसा को दसाया है कि मेरी माँ इस दुनिया च कह नहीं। रामेश पुत्र हुन समरा ही तेरी माँ है। नहीं पापा ये सिर्फ तुसा दी बीवी है ते मेरे किते का मैं पूरी जिंदगी इन्हां दा एहतराम करे सा पर माँ सिर्फ अपनी माँ को समझे सा। उन्हें को याद करके जड़ा सुकून मेरे को मिलता है मेरे किते हुई बहु है। डिठी ते कितना बदतमीज थी गए तमीजी नहीं गाल करन दी ही को मूड खराब। मैं तादा छोड़ यार इन गाल को इन गाल को इतना ही खत्म कर। नहीं क्यों छोड़ देवा क्यों मंजन देवा इन गाल को सिर्फ ही वास्ते क्यों ते कोल बहु पैसे उनका जड़न भी दिलचस्पी हो कहीं को भी गड्डी थले दे देसी क्यों मिशा डिसा। अदनान जासिम बिल्कुल ठीक पे आदा है रामेश को उनकी बदतमीजी की सजा मिलनी चाहिए। एक तो बदतमीजी पे करेंदा भी आकड़ दो पे आई यार जो थी वो ना थी गया तू बस करना खत्म करें ने कुछ ज्यादा थी वैसे यार। चलो चल ना आवन ना रुक मैं ही नकने पूछ खींद दिया तुसा लोग ने अदनान ते जासिम को डिठे हुने ते थान शायद कैफेटेरिया दी तरफ गए उसे ते ऐसा उत्था चेक करने दे से आ जी सही ई वास्ते तुहाडे कोल आया कि असें सारी गल तुहानूं दस दिओ। जी सर ते बस बजाय सॉरी करन दे उल्टो मिसबिहेव करना शुरू कर दिता। अच्छा कीता तुसां मेरे को सारी गल दसाज हो गई। कोई अमीर बाप दा पुत्र होवे यूनिवर्सिटी दे अपने असूल होंदे उन्हां को कोई तोड़ नहीं सकदा। तुसां बेफिक्र थी वंजो इमाम ने को मैं आप देख गई सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you.
क्यों तंग करें दी पई मेरे पुत्र को खेडन दे सक। हाँ पुत्र वंशा ज्वालन कोई गल कह नहीं, बस 10 मिनटां च पहुंचा दे सो। ना पुत्र बहुत ट्रैफिक है। अपनी मां रमेश डॉक्टर मेरी बीवी तो मेरा पुत्र। सॉरी राहिल साहब, असा थोड़ी बीवी को ना बचा सके तो तुम्हारे पुत्र के सिर च बहुत गहरी चोट लगी है। हम तो उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ी। हुण तक प्रोफेसर इब्राहिम रामेस दी एज क्लास किंसन अकल टिकाने आ वैसी। हां ते तू देखया हा प्रोफेसर इब्राहिम केड़े गुस्से विच आ गए हन सारी गाली सुन के। अरे यार तुसा किथा गायब थी गए वे, तुसा लोगों को किथा किथा नहीं लभिया। बस असा लोग इत्था किथा यार, जेरे ले यो पता चल दे हुने गैन कैफेटेरिया लब्भे, ग्राउंड एच लब्भे, हर जगह दुते लब्भे, लेकिन कोई पता कहनी तुसा हेवे किथा। एक्चुअली बस असा खैर तू दसा क्यों पे लब्भे दिया असा को। लगदे तानिया तुसा लोगे दे ग्रुप दा गुस्सा अजन उतरा कहनी। नहीं ओ एक्चुअली असल इच बस तुसा लोगे दा गुस्सा जायज भी हा। आखिर रामिस को अपनी गलती का एहसास भी थी गे। क्यों रामिस? हाँ मैं ही वास्ते ही था आया हाँ, बल्कि मैं और रमा ते को लभदे पे हाँ अदनान के। मैं मेरे को बहुत शर्मिंदगी है वाक्य दी, मैं सॉरी करना चाहता। सॉरी? हाँ आई थिंक आई वॉज गलत हाँ, तो मैं सोचा मैं सब को माफ़ी मांगे ना ही वास्ते मैं इतना आया। तो हाँ एक है मेरी गड्डी तो इंश्योर्ड है, पर तेरा नुकसान भी मेरी कंपनी ही पूरा करे सी। मैं क्लेम कर देता हाँ, पेमेंट बाद थी वैसी। रामिस पर इतना रखे नदनान, आखिर तेरा नुकसान रामिस दी। ते वैसे भी रामिस ने केरा अपनी जेब तो भरने, उनको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देसी। तानिया कन्विंस करना अदनान को केरा गिने। ओ तो ठीक है रमा बलवी। हाँ अदनान रमा ठीक आदि पे ये। हाँ रखना यार अदनान, रख गिन प्लीज। रख गिन अदनान, वैसे भी रामिस को अपनी गलती दा एहसास थी गए, ते आई थिंक ही गाल को थी खत्म थी वरना चाहिए। रामिस देखो प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने अंदर कमरे छड़े। मेकू सर इब्राहिम ने क्यों बुलाया? एक तो मैं को पता कहनी, पर मेरे को प्रोफेसर साहब ने आके रामेश को अंदर छड़ गया। ओके मैं ऑन द पिया जल रामा। ये सब ठीक नहीं थिया, बहु गलत थे। तो ये क्यों सॉरी कर गिन से तो कितनी मेरे मना की थे कि सर को नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी तू गेम है, कितनी शर्मिंदगी की जिंदगी मेरे को। हां यार सिचुएशन तो वाकई बहुत एंबैरसिंग हो गई है, बहुत गलत है।
लगदे बहु याद आंदी पी है पहली बीवी दी। हाँ शायद ही वास्ते यादा कहने भी मरदियां। बहु वड्डा हादसा है, एक पासे रामिस की मां की लाश पई है, दूजे पासे रामिस त्रीह डेंग कौमे च रहा। यह हादसे का बहुत गहरा असर है उनके दिमाग च। यह जो तू एक पागल समझेंदी वो पागल नहीं है, उनकी दिमागी हालत इंज ही है। मैं दिखाया हा, देख उबाल है, छोटी छोटी गल को दिल च लै वेंदा है। तू प्लीज हुंदी गाली को इग्नोर कर किदा कर। ते तू चाहंदी कि मैं तेरे पुत्र दा पागलपन बर्दाश्त करा? अगर वो सचमुच पागल है ना, उनको पागलखाने भेज दे, इत्था मेरे सिर दे ना बिल्हा। जी सर। रामिस क्या थे? प्रोफेसर साहब ने क्या आखे? ओ रामिस क्या थे? रामिस मेरी रुक, रामिस क्या थे? क्यों इतना गुस्से चाहिए? मैं अदनान को कहना छोड़े सा, चांद तू मार दे सा उनको। क्या पागल थी गई तू? क्यों मरे से अदनान को? मैं आख्या हाना मैं कहना छोड़े सा। और रुक रामिस, मैं तो कोई में कहना करें दे सा। वैसे मेरे ख्याल में चंगा नहीं मिलतिया, जो भी पीछे बुरा थी। रामिस, अदनान, रामिस रिलैक्स।
ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਵੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਕਰਾਂ ਵਲਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਆਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖੇ ਹੀ ਵਕਤ ਇਹੋ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਜੁਤਾਨੀ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਦਮੀ ਅਦਨਾਨ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਜੁਤਾਨੀ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਜੁਤਾਨੀ ਆਖ ਸੀ अजीब बेचैन रूहे ही लड़के दे अंदर समझ ही नहीं आंदा बाबा ए अस्सलाम वालेकुम आंटी ओ रामिस रामिस ओ ओ राम गौर ते सुन क्या बदतमीजी है पहले रामिस ते होने रमा कितना समझे ही छुआरकू लेकिन मजाले इंदे कंध ते जू ही नहीं रिंगी मेरे कने वे बंदोबस्त ही लड़के दा मैं हुने ही दप्यू कुफ बल लेधिया की वे बचते ए तुसा समझ गए वे तुसा हिन्ना को भी मिलके एक सेकंड एक्सक्यूज मी प्लीज हेलो राहिल मैं समरा गाल करें दी पिया हाँ समरा जो भी आखना जल्दी आख मैं एक मीटिंग च बैठा खैर ते आवे खैरियत क्या खाक होसी ते गाल नहीं कीती उंदे नाल नाल और क्या गल करनी है मैं अपने पुत्र नाल ब्याह केंदे नाल ओहुने दंदना दा वा अपने कमरे च गए ते पीछे पीछे रमा भी गई है हुंदे कमरे च ओ भी इंजे टाइम दे ते जिले घर च कोई मौजूद कैनी मैं भी हुने वेंदी पिया चाइल्ड वेलफेयर दे सेमिनार च बस इहो ते साउंड किते फोन कीता ओ गॉड Don't tell me, Rahil, कि तेरे वास्ते कुछ भी कहनी। मैं विंदी पिया सेमिनार ते घर चो नुहे कले देख राहिल अगर कोई पुट्ठा सीधा थी गया तो मेरे को इल्जाम ना देवी मैं ते कुड़े साके अपना फर्ज पूरा कर दिते सकी माँ होंदी ना नू थप्पड़ ला के सीधा कर देंदी रामिस को लेकिन क्योंकि सुतेली है ना मेरे को तो ये सब दी इजाजत है ही कहना मैं ते को इत वास्ते दसा दी कि कल को मेरे उते कोई गाल ना आवे ताकि तेरी नॉलेज शराबे। एनीवेज, मेरे को देर थी दीपिया, मैं वेंदी पिया। अल्लाह हाफिज। क्यों बकवास है? हाँ जी, सॉरी, एक जरूरी कॉल आई। असा गाली पे करें दे हाँ, मार्केटिंग की। रामिस दरवाजा खोल अरे चार कुछ करना गिने क्या करा क्या तेरे पियो कुल बहु पैसा है क्या तू सारी दुनिया को अपनी गड्डी थले दे देसे देखो शर्म आमनी चाहिए दिए देखो अंदाजा है वो बेचारे दा कितना नुकसान थी है आइंदा मेरे को कोई भी शिकायत मिली ये केस में बोर्ड भिजवा दे सी
मिस दरवाजा खोल।